नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस दो दिन का है वही ताकि बस ये मेरा लास्ट है, सबसे लास्ट ये है कि मैं इंडियन में तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ बजाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी तो उनकी दुआएं काम आई आप। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम है। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे, जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे जो इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है वो ज्यादा ऊपर जाएगा और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी है इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और बिल्कुल और जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। हाँ उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।